हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल छोटे की किचन से मैं एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बाजरे की थेपले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। आइए अब शुरू करते हैं बाजरे के थेपले बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, बच्चे और बड़ों को बहुत पसंद आएंगे। आप भी एक बार ज़रूर बना कर देखें। इसके लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, 1 कटोरी बाजरे का आटा लिया है। इसके बाद मैंने आधा इंच अदरक का टुकड़ा काट के रखा था वो लिया है। हरी मिर्ची है 2 कटी हुई, हींग है चुटकी भर, हरा धनिया है कटा हुआ, आधा चम्मच जीरा, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, इनको मिक्स कर लेंगे। दो चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे, आप देसी घी डाल सकते हो या आप जो रिफाइंड ऑयल यूज करते हो खाने के लिए वो भी ले सकते हो। मैंने दो ढाई चम्मच मैंने ये देसी घी लिया है। अब इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं दही डाल रही हूँ, थोड़ा इसमें दही डलता है, ज्यादा नहीं। अब इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे और फिर हम जिस तरह रोटियों का आटा लगाते हैं उसी तरह आटा लगा के इसको 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। अब मैं आटा लगाती हूँ। बाजरे के थेपले बनाने के लिए जो मैंने आटा लगाया था वो बनके तैयार है। 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसको रखे। अब मैं इसकी लोई बनाती हूँ। रोटी की जैसी लोई लेंगे अपन। ये मैंने गेहूं का सूखा आटा ले लिया है। अब इसके थेपले बेलते हैं। आप इसमें कद्दूकस करके लौकी भी डाल सकते हैं। इसके जो आटा लगाया था मैंने इसमें, इधर मैंने लोहे का तवा ले लिया, इसको गर्म करने रख दिया, गर्म हो गया है, इसमें डालते हैं। इसको दोनों तरफ से हम अच्छी तरह सेक लेंगे। अब इसमें मैंने दोनों तरफ से सेक लिया है। इसमें घी या मक्खन किसी से भी आप इसको बना सकते हो। मैं इसको घी लगा रही हूँ। इसमें घी लगाने के बाद इसको बिल्कुल धीमी आंच पे सेकें इसे, क्योंकि कुरकुरा बनाना है तो बिल्कुल धीमी आंच पे ही ये बनेगा। आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ इसमें घी लगा लिया है, ये दोनों तरफ से सेक चुका है। बाजरे का थेपला बनके तैयार है। आप इसको अपने मनपसंद चटनी के साथ या दाल मखनी के साथ या मलाई कोफ्ता के साथ किसी के भी साथ खा सकते हो। खाने में बहुत टेस्टी है ये, बच्चे और बड़े दोनों को बहुत पसंद आता है। आप इसको घर पे एक बार जरूर बना के देखें। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।